हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हूँ मैं माउंट आबू पे। आज जन्माष्टमी भी है और आज नए से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। आज हम अच्छे से सेट हो गए यहाँ पे एंड आज मैं वैष्णो लुक में हूँ क्योंकि जन्माष्टमी है। तो मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं जन्माष्टमी के दिन ये लुक करूँगी। तो मैं आज इसी लुक में पूरा माउंट आबू घूमने वाली हूँ और आपको भी घुमाऊँगी। पूरा माउंट आबू तो नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ घूम सकते हैं वहाँ तो हम जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं पहले रघुनाथ टेम्पल दर्शन करने। जो हम मेरे को ठहरे हुए तो हम जा रहे हैं मंदिर और उसके बाद हम जाएंगे मार्केट। तो ये रहा पीछे मंदिर, सॉरी ये नहीं है, एक सेकंड, ये रहा मंदिर। तो हम यहाँ से ऐसे उतरे और ये यहाँ से ऐसे जाएंगे, वो सामने मंदिर। मंदिर तो ये पीछे मंदिर के पीछे है, ये पूरा नक्की व्यू है, ये नक्की लेक है और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। ये रहा मंदिर, ये मंदिर का बैक साइड, ये मंदिर का राइट साइड और ये पूरा राइट में ऐसे ग्राउंड जैसा है। एंड यहाँ पे पीछे पूरा नक्की लेक का व्यू है एंड लुक एट दिस, कितना ऑसम है ये, अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पे दो तीन दिन से राजस्थान में बहुत बारिश हो रही है, बहुत 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 ज़्यादा। हम नीचे थे तब तक तो मतलब बारिश थी लेकिन कम थी, बट यहाँ आबू में तो 24 आवर्स बारिश हो रही है एंड वेदर पूरा फॉगी फॉगी है। तो हम मंदिर से निकल गए और ये हमारे यहाँ पर गार्डन है। थोड़ा आगे जाएंगे तो नक्की लेक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने, पहले चाय उसके बाद दूसरा सारा काम। तो ये हमारे चाय वाले अंकल, हमारे नहीं है मतलब यहाँ के चाय वाले अंकल है जहाँ हम चाय पीते हैं। यहाँ ऐसी सारी शॉप्स आपको देखने मिल जाएंगी जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल चीज़ें मिलती हैं।
यहाँ से सामने से यहाँ से हम साइड कर रहे हैं, मतलब उसके वो साइड, एंड देन अभी ये मार्केट जहाँ हम घूमेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं धुलेश्वर मंदिर। चलो, तो ये है धुलेश्वर टेंपल, धुलेश्वर महादेव मंदिर। चलो, हमने बाहर से दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं शंकर मठ, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है। तो हम चले चलते चलते चले जाएंगे। चलो, अब हम जा रहे हैं शंकर मठ। तो ये फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। हम गलियों से घूम के निकल रहे हैं, क्योंकि शंकर मठ का रास्ता जो है वो गलियों गलियों में से, तो रोड से तो मुझे नहीं पता, पर जो चलने का रास्ता है वो गलियों से। तो ये रहा शंकर मठ, जो ये इतना बड़ा ऑरेंज कलर का शिवलिंग दिख रहा है। तो हम चलते चलते पहुंच गए। और हाँ, हमारा एक पोपट भी हुआ था, मतलब जो मैंने कहा कि रोड से मुझे पता नहीं, रोड से रास्ता था, बट गूगल मैप हमें अंदर से ले आया, देख सकते हैं। और यहाँ की सीनरी कुछ ऐसी है। तो मंदिर तो बंद है, दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, तो मंदिर देख लेते हैं। जय शिव शंकर। तो ये हम यहाँ से आए, मंदिर 4 बजे खुलेगा, तो अब हम दोबारा आएंगे या नहीं पता नहीं। तो दर्शन तो हमारे हो नहीं पाए, लेकिन हमने मंदिर के परिसर के दर्शन कर लिए और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। आप कभी आओ तो 12 बजे के पहले आना या फिर 4 बजे के बाद आना, तो मंदिर खुला मिलेगा, दर्शन मिलेंगे। किसी की गाड़ी टेढ़ी हो गई है, सी
यहाँ पे इतना फॉग है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। आई थिंक उसी की वजह से उनकी गाड़ी ये हो गई है। ये रहा शंकर मठ महादेव के ऊपर इतना बड़ा शिवलिंग है, टेंपल के ऊपर का शिवलिंग है ये, यहाँ से दिख नहीं रहा। ये देखो ये पापा ये कहाँ गाड़ी में, ये गाड़ी पे कहाँ चढ़े हैं और उनकी गाड़ी को टिक्कर मार रहे हो। गॉड, ये देखो हम आए हैं साई बाबा टेम्पल, पीछे हैं साई बाबा। और ये मंदिर इतना अच्छा है, यहाँ पे शिवलिंग कहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, पूरा मंदिर का टूर देती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा मंदिर है मेरा। एक्चुअली हम इतना चल चल के मेरे पैर दुखने लगे, तो मैंने सोचा कि कहीं बैठते हैं। और इन्होंने हमें सामने से बुलाया और कहा कि आओ दर्शन करो, और इन्होंने कहा कि महादेव जी के दर्शन करो, ऐसे दर्शन तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चलो मैं भी आपको भी दर्शन करवाती हूँ। यहाँ से हम अंदर एंटर हुए और ये शिवलिंग। यहाँ पे शिरडी साई बाबा है, और यहाँ से अंदर गुफा है, और यहाँ पे ये देखो कितने अंदर गुफा में बैठे हैं महादेव। हर हर शंभु, जय महादेव, जय शिव शंकर। ये देखो है ना, बहुत प्यारे दर्शन। ये भी गुफा, ये कितने छोटे में से हमें झुक के आना पड़ता है। तो ये थे दर्शन। तो हम जा रहे हैं पांडव भवन, हम चलते चलते थोड़ा आगे आ गए, और यहाँ पे था आर्य समाज मंदिर जहाँ पे लोग हैं, और लकी लेक का बैक साइड चलता है, और यहाँ पे पीछे है व्यू लकी लेक। तो ये है नक्की टेक का बैक साइड, कुछ ऐसा दिखता है। चलो तो अभी चलते हैं पांडव भवन। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग हो रही है एंड फोटोज के लिए तो लोकेशन फर्स्ट क्लास। तो हम वो लेफ्ट साइड से आए, और यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। ये साइड में भी लेक बह रही है, पानी बह रहा है, और मैं वहाँ जाके नहीं दिखा सकती। क्या ब्यूटीफुल व्यू है, वाव, ऑसम। इसीलिए हम चल के आए, इस व्यू के लिए, इस वेदर के लिए। हा, लवली, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। ये रहा पांडव भवन, जो फॉग के पीछे दिख नहीं रहा, जस्ट मेरे इधर सामने। आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो यहाँ से है एंट्रेंस, यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। ये है यूनिवर्सल पीस हॉल। ओके, तो इसे ही पांडव भवन कहते हैं, यूनिवर्सल पीस हॉल। तो यहाँ से एंट्रेंस है। Thank you.
पांडव भवन से हम फिर सीधा अपने होटल आ गए थे। हम थक गए थे इसके लिए मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। और अभी मैं आई हूँ जहाँ हम लोग ने जो धर्मशाला ली है वहाँ से थोड़ा ऊपर आते हैं तो पूरा नक्की का व्यू दिखता है। तो मैं आपको नक्की का व्यू दिखाती हूँ। और मुझे पता नहीं था मैं यहाँ नेटवर्क के लिए आई, और मैंने देखा कि मैं जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पर इतना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। वैसे तो मंदिर से भी आता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मंदिर के पीछे से व्यू आता है, बट ये बिल्कुल मेरे हमारे रूम के बगल में ही है तो यहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू आता है। मैं आपको बताती हूँ कैसा व्यू आ रहा है। ये है हमारा रूम और यहाँ से फिर ऐसे ऊपर आएंगे, ऊपर 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 यहाँ से फिर ये यहाँ से नक्की व्यू दिखता है। और ये बीच में फाउंटेन लगाया हुआ है नक्की झील के। और अभी बोटिंग स्टार्ट हो गई है, कल बोटिंग बंद थी बिकॉज कल तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। बट सी आज तो धूप आई है थोड़ी थोड़ी, तो या आज हम सब जगह घूम पाए बिकॉज वेदर ने आज थोड़ा हमारा साथ दिया। सो आज मौसम थोड़ा बेटर है पहले से। सी हल्की हल्की धूप आ रही है यहाँ पे दिखाएंगे। हाँ मेरा फेस ब्लैक हो गया लेकिन कि थोड़ी धूप है तो धूप देखकर थोड़ा अच्छा लगा। आज थोड़ा मौसम अच्छा है तो इसीलिए हम थोड़ा घूम पाए। तो और हाँ यहाँ पे मंदिर में ना कुछ तैयारियाँ भी चल रही है बिकॉज जन्माष्टमी का ये है, जन्माष्टमी का त्यौहार है। तो आई थिंक कल कुछ है मुझे नहीं पता, बट जिस हिसाब से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है तो शायद से कल कुछ हो सकता है। तो अभी बजे शाम के 7 और हम निकले हैं नक्की की परिक्रमा करने। बंद है लेकिन हम फिर भी आ गए क्योंकि बारिश बंद है इसके लिए। आज दोपहर से पूरी बारिश बंद है और बहुत सारी चीज़ें जो बारिश की वजह से बंद थी वो खुल चुकी है। तो आई होप कि आगे हमें कोई मना ना करे। तो चलते हैं नक्की परिक्रमा करते हैं। बारिश चालू हो गई और तेज हो गई तो हम वापस अपने धर्मशाला पे आ गए। अभी मैं और पापा फिर से मार्केट आए हैं कुछ लेने के लिए। तो ये पूरा मार्केट है।